नमस्ते सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खजूर का सेक जो बहुत ही टेस्टी होता है। खजूर आप किसी भी रूप में खाएं ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आज हम इसका सेक बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खजूर का मिल्क सेक जो बहुत ही टेस्टी होता है और ये सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को लें और खजूर को क्या करेंगे कि अच्छी तरह से धो लें। आप कैसा भी खजूर को लें, पैकेट सील वाले पैकेट आते हैं जो उसे भी आप ले सकते हैं, या जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है आप वैसा भी खजूर को लें। लेकिन खजूर को बिल्कुल अच्छी तरह से धोने के बाद ही इसे हम यूज़ करेंगे। आप बिना धोए खजूर को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और वैसे भी आपको पता ही है कि खजूर तो बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसे आप धोने के बाद ही रोज़ आप एक खाएं तो बहुत ही आपको ये फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने खजूर को धो लिया है। धोने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसके बीज को ये निकाल लिया है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे सॉफ्ट करेंगे। तो सॉफ्ट करने के लिए इसे थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें पानी डालें। और पानी डालने के बाद बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। जो हमारा खजूर है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड भी हो जाएगा। इसे साइड में रख दें। और यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा काजू को लें और थोड़ा सा आलमंड्स को लें और इसे भी बस 1 से 2 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हमारा जो खजूर है ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बस मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे रख दिया था। और ये जो आलमंड्स है इसके छिलके को मैंने निकाल लिया है और ये देखिए ये भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार लें और इसमें डाल दें ये खजूर को। तो सारे खजूर को डाल दें और इसके पानी को भी डाल देंगे। इसके पानी को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने खजूर को डाल दिया है और इसी के साथ डाल दें इसमें आलमंड्स। आलमंड्स के छिलके को निकाल लें, ये बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। और इसमें हम डाल देंगे ये काजू को भी डाल दें और साथ में डाल देंगे इसमें ठंडा दूध। तो ये 1/2 ग्लास के करीब यहाँ पर मैंने दूध को डाला है। आप दूध को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दें बस, और इसे ग्राइंड कर लें। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, खजूर मीठा होता है वैसे ही बहुत ही मीठा होगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे अब हम सर्व करेंगे। इसे सर्व करने के लिए ग्लास को लें और ग्लास में सारे खजूर के जो मिल्क सेक हमने बनाया था उसे डाल दें और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ खजूर को भी डाल दें और डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ काजू को। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खजूर का मिल्क शेक बनके रेडी है। तो आप इस खजूर के मिल्क शेक को जरूर ट्राई करें, ये आपको भी बहुत ही पसंद आएगा और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप इसे बना करके बच्चों को भी दें, बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।